अभी शाम का वक्त है तो हम लोग फैमिली सब बैठे हैं, मम्मी हैं और मैं बैठा हूँ। तो यहाँ पे भाई और बहन ने मिल्क शेक बनाया, कुछ मैंगो और मिल्क दोनों मिला के, और क्लाइमेट भी बहुत बढ़िया है, आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा मिल्क एंड मैंगो शेक, ये मम्मी है और वो भाई बहन, ये दद्दू, और क्लाइमेट देखो। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई सब, मम्मी थोड़ा पास आओ। ये तो ये हम फैमिली है सब, ये मम्मी, ये बहन, भाई और दद्दू, पापा, बस पापा को मिस कर रहे हैं अभी। ये सब तुम दोनों दूर रह गए, बस 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 बस। तो चलो मैं भी एंजॉय करता हूँ और आप लोग भी एंजॉय करो। तो गाइज अभी तक तो चखा ही नहीं इसे, कैसे मतलब बनी कैसी ये, तो और ऊपर से वहाँ बचा कुचा था, तो हमारा जो ईगो है वो देखो दिखा कितना, ये बहुत सारा था, तो ये जरा है ना ईगो, इसने चख लिया वहाँ से। तो कोई बात नहीं, मैं अभी मैं चख के देखता हूँ कि कैसा, ये लोग सब लोग तो खा चुके हैं तो मैं चख के बताता हूँ कि कैसा ये, तो देखते हैं। अच्छा थोड़ा खट्टा है, थोड़ा खट्टा खट लग रहा है, मीठा भी है लेकिन ठीक है, बढ़िया है। मम्मी चीयर्स, मम्मी चीयर्स। गुड मॉर्निंग गाइज, तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, अभी तो हम इडली खा रहे हैं, तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद आज का प्लान बनाते हैं। एक्चुअली ना इडली खा के मन नहीं भरा, क्योंकि ये जो चटनी है ना बहुत टेस्टी बनाया मम्मी ने, तो अभी भाई ने बनाया क्या, ओह भाई ने बनाया इसको, तो अभी फिर से ये आ रहा है और एक, तो इसको अभी खाएंगे, उसके बाद जो नहीं सरप्राइज है वो अभी नहीं बताऊंगा, तो चलो आप देखते रहो। I've been waiting on it.
सरप्राइज जो है ना वो यही है, बिल्कुल आपके सामने। क्योंकि जो ब्लॉग जो मेरा डिलीट हो गया था ना, करप्ट हो गया फाइल, रीटेक करने के लिए आया हूँ यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगा जो डिलीट हो गया था मेरा, जहाँ जहाँ गया था मैं, जैसे जैसे शूट किया था, जो जो बोला था वो सब बोलूंगा। क्योंकि बोला तो मैं अपने दिमाग से ही ना, मुंह से बोला हूँ लेकिन यहाँ से आता ना सब, जो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्ट उस सब यहाँ से निकलता है ना, तो वही वही बोलूंगा मैं और यहीं से ही जाऊंगा, जैसे कि पहले जो गया था उस दिन, ठीक है। और मेरा दोस्त जो था वो ऊपर से जा रहा था यहाँ से, और मैं ऊपर से जा रहा था। और आज सिर्फ डिफरेंस यही है कि वो डे तब था और डे अब है आज, ठीक है। तो ये बहन भी है मेरे साथ, तो चलो चलते हैं। अबैंडन्ड प्लेस, उस दिन गेट बंद था, आज गेट खुला है। गेट बंद करके गए थे हम लोग, वो वीडियो में भी था, और नहीं तो तेरे ब्लॉग में है ना वो वाला, तो देख लेना। तो आज खुला हुआ है लेकिन हम बंद करके जाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ, अधूरा काम आज पूरा करेंगे। उस दिन पहले वहाँ गए थे तो पहले वही दिखाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एग्जैक्ट वैसा ही बनाऊंगा मैं, जहाँ जहाँ गया था वहाँ वहीं जाऊँगा, वही बोलूँगा। ये है पावर हाउस, जो किसी रीजन की वजह से बंद पड़ गया है यहाँ पे। तो अभी ये मतलब कुछ काम का नहीं, सिर्फ एक ही काम का है, जो टूरिस्ट प्लेस हो गया अभी, या पिकनिक जो मनाते हैं ना वो लोग यहाँ पे आते हैं, और पिक्चर क्लिक करने के लिए यहाँ पे आते हैं बस। और तो ये देखो पता नहीं क्या हो रहा है, वेंटिलेशन तो ऑन है, नहीं वो हवा से घूम रहा है, हवा से थोड़ा मतलब घूम रहा है वो। और ये जो है ना नीचे उधर अंदर, उसके अंदर है जो टरबाइन, वहाँ से वो बगल से गया है, कैनल गया है वहाँ से, तो वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ से भी एक टेक निकालेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे टरबाइन घूमता है और यहाँ से पानी निकलता है, जो पानी ये थोड़ा नीचे बना है, वो थोड़ा ऊपर है कैनल, तो वहाँ से पानी का जो फोर्स की वजह से टरबाइन घूमता है ना। तो आओ आओ, इस एंगल से नहीं दिखाता, आज इस एंगल से दिखाऊंगा। इसको बोलते हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ये देखो गाइस, उस दिन जो निकाला था ना, वो सामने जो खिड़की दिख रहा ना लेफ्ट साइड का, जो नीचे वाला पहला, ऊपर जो है वो तो वेंटिलेटर का टाइप का है उसके नीचे, लेकिन वो जो खिड़की दिख रहा है ना लेफ्ट साइड, वहाँ से निकाला था मैंने, और आज यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो वहाँ से भी निकालूंगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा टैग है, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं सब काम फाम सब बंद पड़ चुका है यहाँ पे, तो वो एक जनरेटर वहाँ पे पड़ा है, और हम नीचे उतरते हैं। नहीं, मेल बॉक्स होगा, मेल बॉक्स होगा, ये मेल बॉक्स था, खत्म। ये शायद कुछ ऑफिस वगैरह यहाँ पे कुर्सी अंदर। अरे ये समझो, ये क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का रूम। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड का रूम तो बाहर है, ये मैनेजर वैनेजर कुछ होगा, ऊपर फ्लाइट स्विट लगे हैं। ये वही नहीं, ये थोड़ा उसको स्किप कर दो, वहाँ पे सिर्फ फालतू बात कांच। तो वाओ, कट मेरा साइज, मैं 5'10" का हूँ, तो पहले ही आप लोग इसके ब्लॉग में देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी ये ब्लॉग तो मेरा ही था ना। तो ये है, मैं हूँ 5'10" का, और ये करीब करीब 12 फुट का तो होगा ही, है ना। नहीं, 10 ही बोल दे नीचे से, वो छोड़ो, वो स्टेज है ना उसका, हाइट है ना उतना 12 फुट का, जरा ठीक है। और ये जो पेड़ दिखा था उस दिन, जो घर लगाया, जो आप लोग नेक्स्ट में मेरे प्रीवियस ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि ये जो है ना, इसको निकाला है, तो वो तो जो डिलीट जो हो गया उसमें था, जो लगाया घर पे वो प्रीवियस ब्लॉग में है, तो यहाँ से निकाल के ले गया था, यहाँ से एक निकाला था तो, और बाकी पीछे से कुछ निकाला था। और ये है इसका कूलिंग सिस्टम, लिक्विड कूल होता है ये, ऑयल लिक्विड ऑयल कूल। आज भी सेम गाइस, एग्जैक्ट वही से घुसूंगा, जो किया था वही करूंगा, इसलिए यहाँ से ही घुसूंगा। और यहाँ पे कुछ टास्क वास्क है जो उस दिन भाई ने बताया था सबसे पहले, और यहाँ से सीधा हम आगे जाएंगे। तो गाइस, यहाँ से हम देख सकते हैं, यही है ना, यहीं से दिखाया था ना, या वहाँ से दिखाया था, यहाँ से दिखाया था, नहीं वहीं से दिखाया था, ये वाला अच्छा है।
तो यहाँ से अच्छा टेक आ रहा है, तो आप लोग तो ये रहा टर्बाइन, ये टर्बाइन है ना, इसमें तो पानी देखो वो लीक कर रहा है वहाँ से, ठीक है वो देखो पानी थोड़ा लीक कर रहा है। तो इसके अंदर घुसा था जब मैं 5 या 6 स्टैंडर्ड में पढ़ता था ना, तब इसके अंदर हम लोग घुसे थे। यहाँ से खोलते हैं उसे और हम लोग अंदर गए थे देखने के लिए, हम लोग को दिखाए थे। और वो रहा देखो, वो रहा वहाँ पे सीढ़ी लगाए, वहाँ पे वहाँ से उतरते हैं और ऊपर जो है ना ये वेंटिलेटर तो अपने आप ही घूम रहा है। वो जो क्रेन लगाए देखो, मतलब ये जितने भी बहुत हैवी चीज़ है ना यहाँ पे, इसको तो लोग तो उठा नहीं सकते, इसीलिए क्रेन से इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ से वहाँ और ठीक करते हैं। कुछ खराब हुआ है ऑपरेटर रूम राइट साइड में है, ये ऑफिस है, सब कुछ यहाँ से देखते हैं। और वो देख रहा हूँ थोड़ा ग्रीनिश, ये है मोटर, ये है मोटर, पता नहीं टर्बाइन है। हाँ। टर्बाइन को पहले मतलब थोड़ी देर घुमाने के लिए, उसके बाद ही पानी के फोर्स से वो घुमेगा ना। तो गाइस बताओ ये किस काम का है, पता नहीं हमें कि ये किस काम का है, लेकिन अगर आप लोगों को बताए तो कमेंट करके बता दो, कमेंट करके बताना। ये मतलब थोड़ी कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा भाई, वो तो यहाँ से जो पानी आता है ना, तो शायद एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए हो सकता है। ये जब हम आए थे तब था क्या ये? नहीं था, ये बकरी है, गिर के मर गया होगा शायद। हाँ, बास भी नहीं मारा ठीक से, याद ही मरा होगा। अभी फ्रेश निकाल के लेते, चलो नहीं भाई तंदूर। ये साढ़े सुना दोनों पहले। तो गाइस ये रहा पावर हाउस, यहाँ का ये पावर हाउस 2 है इसका, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन वो जो पावर हाउस 1 है ना वहाँ पे लिखा है पावर हाउस 1 बोल के। वो बढ़िया है, मतलब इससे भी दिखने में बहुत सुंदर है वो। और ये हाइट देखो, ठीक है यहाँ से पानी आता है और यहाँ से एंट्री होकर सीधा मतलब नीचे है ना, तो पानी का फोर्स जाके टर्बाइन को घुमाता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मतलब निकलती है बाहर से जनरेट। तो चलो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, ये एंडिंग में दिखा था लेकिन आज बीच में दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम आज कम है। जो सिंगल लोग हैं ना वही आके ये लिखते हैं, R+N, सिपुन, नवीन, ये सब वही लोग लिखते हैं जो पैदाइशी जो सिंगल है, ठीक है। तो चलो, तो गाइस आप लोग गहरा देखो, बहुत गहरा है, करीब 20-30 फुट तो गहरा होगा ये, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ना लोहे का जो बड़ा बड़ा जो, ये इसको ये जाली लगाई है, क्योंकि पानी में जो लकड़ी वगैरह कुछ मतलब पेड़ पौधा कुछ भी बह के जो आता है ना, वो टर्बाइन में डायरेक्ट टर्बाइन में ना चला था, इसलिए ये जाली लगा है बड़ा बड़ा, ठीक है। तो इसका काम यही है, पानी तो बहुत गंदा हो चुका है वहाँ से। ये जो देखा ना, ये देखो वो देखो सामने, वहाँ से लोहे का जो लगा ना सीढ़ी जो वो लगा हुआ, वहाँ से नीचे उतरते हैं भाई, यहाँ से भी उतर सकते हैं लेकिन वहाँ से भी उतरते हैं जब पानी यहाँ पे फुल हो जाता है ना, तब वहाँ से उतरते हैं। आप नज़ारे देखिए गाइस, कुछ नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ देखिए, आप सिर्फ देखिए नज़ारे। साइड दे शेष थी
और ये है मेरी बहन और भाई। जिस दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना, उस दिन यहीं पे आके नहाऊंगा मैं। जो पिछले ब्लॉग में भी यही बोला था तो वो तो डिलीट हो गया, लेकिन आज फिर से बोल रहा हूँ कि जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा मेरा, मैं यहीं पे आऊँगा और नहाऊंगा यहीं पे। और गाइज ये जो सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना गाइज, जिस दिन मेरा 5000 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना, तो ये जो पहाड़ है ना इसको एक्सप्लोर करूँगा, एक कोना नहीं छोड़ूंगा। तो क्या कर रहे तू यहाँ पे? मजा तो आएगा ही। यहाँ पे हाइपर लैब बहुत, मतलब टाइम लैब बहुत अच्छे से आएगा। स्लो स्लो, आई एम गोना फॉल। तो गाइस ये रहा वो प्लेस, देखो कितना सुंदर जगह है भाई। यहाँ पे तो बढ़िया हाइपर लैब आएगा। Thank you.
जाएंगे, मतलब पहले 1000 सब्सक्राइब तो होने दो, उसके बाद जाएंगे बड़ा बड़ा जो नदी है वहाँ पे रुकेंगे, मछली पकड़ेंगे, जाएंगे बहुत 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 कुछ करेंगे, सिर्फ सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। बस आज के लिए इतना ही। तो गाइज अभी हमें नदी पार करना पड़ रहा है, तो आजा आजा आजा। तो अभी हम लोग दूसरे रूट से आए ना, तो मुझे लगा कि यहाँ पे पानी कम होगा, लेकिन यहाँ पे पानी है अभी, यहाँ से बहुत गहरा है, मतलब गाड़ी डूब जाएगा शायद। तो गाइज हम लोग पार कर गए, अभी मैं तो यहाँ तक पानी में डूबा हूँ, अभी फिर उस पार जाना है, तो फिर घर चलते हैं। तो गाइस शूट करने के बाद थोड़ा भूख लग गया, तो इसलिए थोड़ा फास्ट फूड खा रहे हैं मार्केट से। तो ये जो होटल है ना, ये मामा का ही होटल है, तो अच्छा बनाते हैं यहाँ पे। तो